हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ चुलाई की बर्फ़ी की रेसिपी। तो ये मैंने आधा किलो चुलाई की बर्फ़ी बनाई है, और किस तरीके से ये बनाई है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी इसकी वीडियो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या सामान लिया है। तो सबसे पहले मैंने चुलाई ले ली है आधा किलो। अब मैं चुलाई को एक छन्नी की हेल्प से अच्छे से छान कर साफ़ कर लूँगी। ये देखिए, जो कूड़ा है हम वो इस प्लेट में निकालते रहेंगे इस तरीके से, और अच्छे से साफ़ करके इसे एक परात में इकट्ठा करते रहेंगे। ये देखिए चुलाई में से कितनी सारा नीचे से भूसी, और हो सकता है थोड़ा बहुत जो रेत होता है तो वो भी निकलती है। इसी तरीके से मैं अपनी सारी चुलाई साफ़ कर लूँगी। ये देखिए कितना सारा इसमें से निकला है ये। तो चुलाई को जब भी चुलाई का कुछ भी बनाएं, लड्डू या बर्फी, तो चुलाई को हमेशा साफ़ करके ही बनाना चाहिए। अभी हमारी चुलाई बिल्कुल बढ़िया हो गई है बर्फ़ी बनाने के लिए तैयार। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आधी किलो चुलाई ली है। आधा किलो चुलाई में मैंने डाली है ये 700 से 800 ग्राम चीनी, और ये ले लिया है मैंने 250 ग्राम मावा। तो इन तीन सामान से हमारे पूरे नवरात्रों के लिए मिठाई तैयार हो जाती है। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, और सबसे पहले चढ़ा लूँगी मैं इसमें चीनी। देखिए 700-800 ग्राम चीनी है लगभग, तो इसमें एक गिलास डाल दूँगी मैं पानी। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे, और गैस के फ्लेम को मीडियम रख के इसे पका लेंगे। अब इसी तरीके से चलाते हुए इसे अच्छे से पका लेना है। ये देखिए अभी हमारी चीनी मेल्ट नहीं हुई है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद धीरे धीरे ये चाशनी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। तो जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम बर्तन तैयार कर लेते हैं बर्फियाँ अपनी जमाने के लिए। तो मैंने एक परात ले ली है, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। देखिए चुलाई की बर्फी को जमाने के लिए हमें कोई घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गीले बर्तन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो गीले बर्तन ही मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। अब देखिए चाशनी हमारी एक तार की लगभग हो गई है तैयार। तो अब इसमें डाल देंगे हम सबसे पहले अपना मावा। मैंने सारा मावा ये डाल दिया है, और अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर दूंगी। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आने लग गए हैं। तो इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे, और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें अपनी चुलाई। अभी देखिए अब ये अच्छे से पक गया है, तो अब इसमें हम अपनी चुलाई डाल देंगे। देखिए चुलाई की बर्फी बनाने के लिए किसी बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि चुलाई थोड़ी सी फूली हुई होती है, तो ये ज़्यादा स्पेस चाहिए इसे, और मिक्स करने के लिए बड़ा बर्तन ही सही रहता है। तो अब इसे हम गैस को अपने को बंद कर देंगे। देखिए चुलाई डालने से पहले ही अपनी गैस बंद कर दीजिए, और अगर आपको खिली खिली बर्फियाँ खानी है खिली खिली चुलाई की, तो आप हल्की सी चाशनी को ठंडी होने के बाद चुलाई डालिए। मुझे थोड़ी सी मुलायम पसंद है, तो मैंने गर्म चाशनी में ही चुलाई डाल दी है, बट गैस को बंद कर दीजिए। चुलाई डालने के बाद गैस नहीं चलानी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना इस तरीके से, और गर्मा गर्म फटाफट से बर्तनों में निकाल लेना है। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फटाफट से बर्तनों में डाल देना है, और डालने के बाद हाथ से या फिर किसी कटोरी की हेल्प से दबाते हुए इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी करनी पड़ती है, नहीं तो ये बिखर जाती है। अगर ये ठंडी हो गई आपकी चुलाई, तो बर्फियाँ नहीं जमेंगी और ये बिखर जाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गर्मा गर्म को फटाफट से परात में या थाली में, जिस बर्तन में भी आप बर्फियाँ जमाने के लिए ये चुलाई डाल रहे हैं, तो उसमें फटाफट से इसे जमा देना है। तो आधे किलो चुलाई की बर्फियाँ जमाने के लिए आपको 2 से 3 बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी आपके काफ़ी अच्छे मोटे मोटे पीस जम जाएंगे। तो अब ये देखिए मैं भी यहाँ पर 3 बर्तनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक परात ली है और 2 थालियाँ ली हैं, और मैं फटाफट से इसमें डालकर, ये देखिए उसके बाद मैंने एक ये प्लेन थली का कटोरा ले लिया है, और उसके नीचे पानी लगाकर इसे इस तरीके से दबाते हुए फटाफट से जमा दूंगी।
अभी देखिए इस तरीके से। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अपने मनचाही शेप में आप पीस काट सकते हैं। आधी किलो चलाई की बर्फी आप फर्स्ट नवरात्रि में बना लीजिए और पूरे नवरात्रि आराम से खाइए। खाने में भी टेस्टी लगती हैं और व्रत के लिए सबसे बढ़िया होती हैं। देखिए मार्केट से जब भी हम कोई भी चीज़ ले तो आते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि हम जब घर में बनाते हैं तो कितने ध्यान से छान कर हर चीज़ को एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर बनाते हैं, तो मार्केट में तो कोई इतने ध्यान से नहीं बनाता। तो इसीलिए व्रत में कोशिश कीजिए कि जो भी घर का बनाए वही शुद्ध है। अब ये देखिए कितने अच्छे हमारे पीस बने हैं। तो ये हमारी चौलाई की बर्फियाँ तैयार हैं। आप सभी भी ट्राई कीजिए और आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये मेरी बर्फियाँ तो तैयार हैं, आप भी ट्राई कीजिए, आप भी बनाइए अपने घर में व्रत रखने वालों के लिए चौलाई की बर्फी। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।